नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि सभी मित्रों को पता है, डेली सातों दिन शाम 7 बजे जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर में फरवरी का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षा में अहम रोल निभाएगा ये करंट अफेयर। आप आधा घंटा प्रॉपर तरीके से हमको देते हैं ना, देखना पेपर में डिक्टो सवाल फंसेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ 2 मिनट बात ही कर लेते हैं आपसे। देखिए, कोई भी आप एग्जाम 15 दिसंबर का लिखने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अहम रोल में रोजाना आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन लगाएं, ऑनलाइन की सुविधा आपके पास है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन लगाएं। डेली ये ठान लें कि मुझे एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना है मेरे प्यारे मित्रों, तो ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। बढ़े आगे। बिल्कुल, पहला सवाल, हाल ही में IBM का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है सर? अरे सर पता है ना, ये तो सिंपल है, अरविंद कृष्णा को किया गया है। बी ऑप्शन सही है, कल पढ़ा था, याद हो जाएगा, डेली पढ़ेंगे। वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को किया गया, सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? 40वां है, सी ऑप्शन सही है। इनमें से किस शहर को 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भैया जयपुर को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। याद करिए, हमने कल ही यूनेस्को बताया था। बढ़े आगे, 14 फरवरी 2020 को किन शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है? मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए, मुंबई से लेकर के पुणे तक, सी ऑप्शन सही है। किसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? तो भैया कदियाम को हुआ है, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। देखिए, मैं आपसे कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे सेंट्रल जोन रेलवे के सिखा दूंगा। ज्ञान सीखने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती है मेरे प्यारे मित्रों, सीखना चाहिए जितना भी है। याद करते हैं, आइए सर ज्ञान हम बांट देते हैं, अतिरिक्त ज्ञान ले लीजिए, बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत सारे लोग अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ले लें। सर ये तो इंडिया का मैप दिखा दिया, हमने कहा चर्चा तो हम इंडिया के मैप पर करेंगे ना, रेलवे के जितने मंडल जोन है मेरे प्यारे मित्रों 18 भी भर के दिखाएंगे, अभी याद भी डिक्टो यहीं पर करा देंगे। हाँ सर ये तो बात सही है, हमने कहा ये वाला प्लस का साइन आपने देखा है कि नहीं? अरे सर गजब बात कर दी, ये तो हम जानते हैं ना प्रॉपर तरीका से। हमने कही बताओ थोड़ा, ये वाला तो सर उत्तर कहते हैं, ठीक है, ये वाला हमने की दक्षिण कहते हैं, ये वाला सर राइट हैंड में पूरब कहते हैं, ठीक है सर ये तो जानते हैं, भैया लेफ्ट वाले को पश्चिम कहते हैं। गजब बात है ना मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझ लेना। यही वाला तो तीर हम यहाँ बना सकते हैं कि नहीं, देखिए जरा ये वाला हमने बना दिया, ये वाला उत्तर कहलाएगा कि नहीं बताओ, थम्स अप करिए। ये वाला दक्षिण कहलाएगा कि नहीं बताओ मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला पूरब कहलाएगा कि नहीं बताइए थोड़ा। ये वाला पश्चिम कहलाएगा। सर ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी आपने? हमने कहा हाँ कर दी ना, हम बताएंगे अभी। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखें, ये वाला क्या कहलाएगा जरा बताना। सर ये मध्य में है तो मध्य कहलाएगा, ये तो सिंपल है। हमने ठीक है सर ये वाली बताओ, आपने तो रीजनिंग बहुत पढ़ी है, ये सर उत्तर पूरब कहलाएगी। ध्यान से समझे मेरे प्यारे मित्रों, ये वाली दिशा उत्तर और पूर्व कहलाएगी। थम्स अप करिए, बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी मेरे प्यारे मित्रों? ये वाली दक्षिण और पूर्व कहलाएगी, क्योंकि ये दक्षिण लगा है, इधर पूरब है सर, तो ये वाली कौन सी कहलाएगी बताइए थोड़ा। सर दक्षिण पूर्व कहलाएगी, कौन सी रॉकेट साइंस बता रहे हैं, ये तो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं क्या? ये वाली कौन सी कहलाएगी बताओ मेरे प्यारे मित्रों? ये वाली उत्तर और पश्चिम कहलाएगी। थम्स अप करिए, हाँ सर ये वाली कौन सी कहलाएगी? ये वाली सर दक्षिण और पश्चिम कहलाएगी, क्योंकि दक्षिण ये है पश्चिम ये है। सब मित्रों को समझ आया कि नहीं? थम्स अप कर देना, हाँ सर बिल्कुल आया। हमने कहा जरा बताओ थोड़ा, ये वाला इधर देखिए थोड़ा, ये वाला तो मध्य है ना, ठीक है, ये वाला क्या है? उत्तर है सर। ये वाली कौन सी कहलाएगी? ये वाली
सर ये वाली तो कहलाएगी उत्तर मध्य कहलाएगी, क्योंकि उत्तर और मध्य के बीच में स्थित है ना, इसी वजह से उत्तर मध्य कहेंगे। हमने कहा ठीक है, ये वाली सर पूरब है तो ये वाली कौन सी कहलाएगी। सर गजब बात कर दी, ये पूरब मध्य कहलाएगी। हमने कहा ये वाली कौन सी कहलाएगी, सर ये दक्षिण मध्य कहलाएगी। ये वाली सर, हमने कहा ये वाली भैया पश्चिम मध्य कहलाएगी। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, देखना अभी हम डिक्टो आपको यहीं छपा देंगे सारा ज्ञान। आइए सर बिल्कुल चर्चा कर लेते हैं। बीच में हमने एक मुंबई बना दिया, याद रख लेना अभी 18 जोन पूछे जाएंगे। ये मध्य जोन पूछा जाता है, मध्य रेलवे जोन कहाँ पर है, तो मुंबई आंसर लगा देना। ठीक है सर, ये चारों हमने प्लस का साइन बना दिया। ठीक है, गजब बात कर दी सर। हमने कहा जरा आओ थोड़ा, ये वाले हमने चारों निकाल दिए, समझ आया कि नहीं। अब इस वाले को क्या कहेंगे हम सर, ये वाला उत्तर है, ये वाला दक्षिण है, ये वाला सर पूरब है, ये पश्चिम है, चारों दिशाएं बता दी। ठीक है सर, बढ़ते हैं। ये वाली उत्तर पश्चिम कहलाएगी, ये वाली दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, ये वाली दक्षिण पूर्व कहलाएगी, ये वाली उत्तर पूर्व कहलाएगी। ठीक है सर, हमने कहा उत्तर में दिल्ली है सर। मैप पर देखिए जरा, इधर आइए थोड़ा, ये देखिए इधर इधर दिल्ली मिलेगा कि नहीं। आप समझदार हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आप मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इधर दिल्ली मिलेगा, इधर पूर्व में इधर कोलकाता मिलेगा, इधर ये पश्चिम में। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझते चलना, दिल्ली हो गया उत्तर में। ठीक है सर, हमने कहा दक्षिण में सबसे चेन्नई है कि नहीं, बताइए थोड़ा। हाँ सर, गजब बात कर दी, चेन्नई मिलेगा। हमने कहा तो इधर भैया पूरम में कोलकाता है कि नहीं, मैप याद करिए, तो कोलकाता हो गया। इधर पश्चिम में मुंबई है कि नहीं, महाराष्ट्र वाला याद करिए, पश्चिम में है कि नहीं, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों, तो पश्चिम में मुंबई हो गया। चार पांच तो याद हो गए आपको। उत्तर में कौन सा है सर, उत्तर यदि रेलवे पूछा जाए तो दिल्ली है, पूर्वी रेलवे पूछा जाए तो कोलकाता है, और मेरे प्यारे मित्रों दक्षिणी रेलवे पूछा जाए तो चेन्नई है, और पश्चिमी रेलवे पूछे जाए तो मुंबई है। सिंपल है, और मध्य रेलवे तो मुंबई है पहले से ही। ठीक है सर, इतना सिंपल आया समझ में। हमने कहा ये वाला हमने क्या बताया था, बीच वाला, ये वाला क्या है सर बताना थोड़ा। ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, ये मध्य है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए, इलाहाबाद में है। इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, इलाहाबाद आया है ना, तो बाद फिर याद कर लो। सिकंदराबाद कहाँ पर है, ये सर बिल्कुल सिंपल है, दक्षिण मध्य रेलवे है, क्योंकि ये दक्षिण वाला हिस्सा है ये वाला, और मध्य वाला ये है सर, बिल्कुल दक्षिण मध्य रेलवे लाइन पर स्थित है कि नहीं। तो दक्षिण मध्य रेलवे कौन सा है, सिकंदराबाद है। सर बताओ थोड़ा मेरे प्यारे मित्रों, पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ है, तो सर हाजीपुर है, याद रख लेना। मैप को छाप लेंगे तो डिक्टो याद हो जाएंगे। हाजीपुर के बाद कौन सा आएगा सर, जबलपुर आएगा। देखिए दोनों बाद बाद यहाँ पर लगा दिए, पुरपुर यहाँ पर लगा दिए, हाजीपुर और जबलपुर, ये मध्य में स्थित हो गए कि नहीं। हाजीपुर क्या बोलेंगे सर, हाजीपुर को पूर्व मध्य रेलवे बोलेंगे, जबलपुर को क्या बोलेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे बोलेंगे, इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे बोलेंगे, सर सिकंदराबाद को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेंगे। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, आया समझ में कि नहीं। आइए जरा इधर बढ़ जाते हैं, इस वाले को क्या बोलेंगे सर, पूर्वोत्तर बोलेंगे। पूर्वोत्तर में कौन सा मुख्यालय, गोरखपुर में, क्योंकि उत्तर पूरब में है ना, तो हम पूर्वोत्तर बोल सकते हैं, पूरब और उत्तर है, गोरखपुर में स्थित है, ध्यान रख लेना। इसी तरीका से दक्षिण पूर्व में कौन सा है, कोलकाता है, तो कोलकाता कितने हुए, दो। कौन कौन से हुए मेरे प्यारे मित्रों, एक तो पूर्वी हुआ बिल्कुल, एक दक्षिण पूर्वी को भी कोलकाता है, ठीक है सर। और मेरे प्यारे मित्रों याद कर लो, दक्षिण पश्चिमी, यही मैप को बिल्कुल इंडिया के मैप पर छाप कर देखो, कौन सा है, हुबली है, ठीक है। बड़े आगे इधर ये जयपुर है, उत्तर पश्चिम में पूछा जाए तो कौन सा लगा देना, जयपुर लगा देना, ठीक है ना। बड़े आगे ये वाला कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, बिलासपुर है। सर इसे कौन सा बोलेंगे, हमने कि आओ समझाते हैं थोड़ा। देखिए कहाँ पर है ये दक्षिण पूर्वी पर स्थित है कि नहीं बताइए पहले तो। ये वाला दक्षिण है ना पूरा, इधर पूर्वी है, क्योंकि ये खाना ही दक्षिण पूर्वी है, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोलेंगे सर, क्योंकि मध्य में भी तो स्थित है, तो दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे बोलेंगे। किसे, बिलासपुर को बोलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना।
क्योंकि दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे या दक्षिण मध्य पूर्वी या पूर्वी दक्षिण मध्य रेलवे कुछ भी बोल दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये जयपुर है, इसी में भैया एक और है याद कर लेना, मुंबई, इसे क्या बोलेंगे सर, उत्तर मध्य पूर्वी रेलवे बोले, उत्तर मध्य पश्चिमी रेलवे। ये वाला क्या है सर, उत्तर है, ये वाला क्या है पश्चिम है, ये वाला क्या है मध्य है, तो उत्तर पश्चिमी मध्य रेलवे कौन सा है, मुंबई। तो मुंबई कितने हुए, एक तो भैया बिल्कुल मध्य में है, ठीक है सर, ये वाला हो गया, एक पश्चिमी रेलवे हो गया, एक उत्तर मध्य पश्चिमी रेलवे हो गया। और बताएं ना सर गजब बात, हमने कहा सीमांत रेलवे गुवाहाटी असम में है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये पूरम में ही तो असम पड़ता है, ठीक है सर, याद कर लेना। सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी तो कोलकाता में स्थित है, याद कर लेना। पूर्वी तटी रेलवे भुवनेश्वर पर है, याद करिए थोड़ा। ये वाला जैसे ही आते हैं ना, भुवनेश्वर कहाँ पर है, ओडिशा पर है, ओडिशा कौन सा तट है सर, पूर्वी तट है, याद करिए ओडिशा कहाँ पर है, तो आपको समझ आ जाएगा। पूर्वी तटी पूछा जाए तो भुवनेश्वर है, और दक्षिणी तटी रेलवे पूछा जाए तो विशाखापट्टनम, ये 18वां है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डिक्टो हमने छाप लिया है, स्क्रीनशॉट ले लें या भैया आपको मिल जाएगा, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। बढ़े आगे, बिल्कुल हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अफ्रीकी चीता को भारत में बसाने हेतु ले आने की अनुमति दी गई है, नामीबिया है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है, मालदीव ने किस वर्ष इस संगठन से अपनी सदस्यता छोड़ दी थी, याद रख लेना 2016 में, 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रवेला डी मूसूसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे, तो पुर्तगाल के हैं, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, हाल ही में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वे किस देश से हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो पाकिस्तान से हैं, बी ऑप्शन सही है। प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी के चेयरमैन व एमडी का पद ग्रहण किया है, तो कोल इंडिया का किया है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है, तो मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना हरियाणा है, बी ऑप्शन सही है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे जोफिन फोनिक्स को दिया गया है, याद रख लेना, सी ऑप्शन सही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर होगा रेनी जेलवेगर को दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो पैरासाइट को दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। बाप्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो 1917 को दिया गया है, डी ऑप्शन सही है, ये फिल्म का नाम है मेरे प्यारे मित्रों। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो याद रख लेना अमेरिकन फैक्ट्री को दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो याद कर लेना टॉय स्टोरी 4 को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 किस देश के साथ किया है मेरे प्यारे मित्रों, तो ब्रिटेन के साथ किया है, ए ऑप्शन सही है। सारा ज्ञान हम अपने टेलीग्राम पर अंत में जिस तरीका से हमने जनवरी का शेयर किया है ना, उसी तरीका से क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे सुबह करंट अफेयर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए मेरे प्यारे मित्रों, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।